गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफी बढ़िया हूँ। सो दोस्तों, आज का ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए आउटसाइड। सो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं मौसम आज काफी अच्छा है और सनशाइनिंग हो रखी है आज। और आज है मंडे, तिरुपति देव जी की है छुट्टी आज, तो हमने सोचा थोड़ा बाहर जाते हैं इंजॉय करने के लिए आउटसाइड, क्योंकि घर में बैठे बैठे भी बंदा बोर हो जाता है एकदम छुट्टी में, तो इसलिए थोड़ा बहुत बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ओके, तो मैं आपको मौसम का आगे का व्यू दिखा देती हूँ कैसा है मौसम आज। सो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का है मौसम। आप देख सकते हो कितना साफ सुथरा लग रहा है मौसम, एकदम फर्स्ट क्लास। और अभी हम हैं N11 पर। दोस्तों फाइनली अभी हम आ चुके हैं डॉन स्टोर। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं डॉन स्टोर घूमने के लिए, और आज है काफी बिजी यहाँ पे। है एक्सपेंसिव है दोस्तों। अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे बेबी के लिए शॉपिंग, मैंने लिए है ये। और यहाँ पे आ रखे हैं बेबी के लिए स्मॉल स्मॉल ये गॉगल्स टाइप के, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये है 3+, तो अभी मैंने एक तो ऑलरेडी ले रखा है बेबी के लिए, तो मैं यहाँ पे से कुछ ही हेयर बैंड वगैरह ले लेती हूँ बेबी के लिए, सुंदर लग रहे हैं। दोस्तों मैंने बेबी के लिए कुछ ही वाले कपड़े कैप वगैरह ले लिए है, तो मैं कुछ और भी देख रही हूँ बेबी के लिए। तो सर्चिंग अभी प्रोग्रेसिंग में है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर सैंडल्स वगैरह भी लगे हुए हैं, और काफ़ी सुंदर है यहाँ पे, काफ़ी सारा स्टॉक में माल भी आ रखा है इस साइड। तो दोस्तों हमारी जो शॉपिंग है हो चुकी है बेबी के लिए, हमने टॉवल वगैरह और भी ज़रूरी सामान सारा बेबी के लिए ले लिया है, जो कि हमारा आगे काम आने वाला है। तो दोस्तों हम डन स्टोर से हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है और जा रहे हैं मिनी इंडिया, जो कि एक नया इंडियन स्टोर वहाँ पे ओपन हुआ है, तो वहाँ पे विजिट करते हैं, वहाँ भी हम एक्सप्लोर करते हैं। सो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मिनी इंडिया में, देखते हैं यहाँ पे कुछ सामान सामान वगैरह देंगे। सो अभी हम आ चुके हैं मिनी इंडिया। जैसे दोस्तों मैंने एंट्री किया, मैं अचंभित हो गई, यहाँ पे मिठाइयाँ लगी हुई हैं एकदम, वो भी फ्रेश एकदम फ्रेश, तो मैं तो आज लेने वाली हूँ मिठाइयाँ। और अब चलते हैं यहाँ से ऊपर की साइड। यहाँ पे आपको सारी वैरायटीज मिल जाएंगी दोस्तों, गोल गप्पे, क्रीम रोल, नमकीन वगैरह तो अभी हमारे पास पड़ी हुई है। अब है? ना। यहाँ पे लगे हैं सारे जूसेस, आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस के। सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी जूसेस की वैरायटीज वगैरह और सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, मुझे तो काफी अच्छा लगा। मतलब मिनी इंडिया नाम से है पर इतना ज्यादा मिनी भी नहीं है, तो यहाँ पे आपको ऑल वैरायटीज आपको मिल जाएगी, नमकीन वगैरह, पोहा वगैरह और नमकीन अलग अलग वैरायटीज की, बॉर्नविटा, चमनप्रास, इनो वगैरह आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन वाटिका शैम्पूस लगे हुए हैं, और यहाँ पे सारे गर्म मसाले लगे हुए हैं, होल गर्म मसाले, तो आप लोग भी विजिट कीजिए और यहाँ पे आइए और आराम से शॉपिंग कर सकते हो आप, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे मसाले लगे हुए हैं और प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, नई दुकान खुली है, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और मसाले वगैरह भी आप देख सकते हो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, लेकिन अभी तो मैं बताना चाहूँगी अभी जो क्या कि अभी जो है कि एक्सपेंस काफ़ी इंक्रीज़ हो चुके हैं, तो थोड़ा बहुत प्राइस हर किसी चीज़ में इंक्रीज़ हुआ है। जैसे कि मैगी पहले 50 सेंट्स की मिलती थी, अभी वो क्या नाम है 60 सेंट्स की मिल रही है, 10 सेंट्स का उसमें थोड़ा बढ़ोतरी हुई है, तो मैं आपको बता देती हूँ। दाल वगैरह में भी जितना है कि सभी में आपको प्राइस जो कि आप देख सकते हो इंक्रीज़ हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट अलग अलग प्रकार की किशमिश वगैरह सारे यहाँ पर लगे हुए हैं।
जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंडियन सारा सामान यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ तक कि चाय पत्ती आपको इंडियन वेराइटीज, मतलब सब चीज़ आपको इंडिया की तरह आपको मिल जाएगी यहाँ पे। आपको ऐसा फील आएगा जैसे कि आप इंडिया में हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्नवीटा लगा हुआ है और टाटा टी वगैरह, प्रीमियम टाटा टी लगी हुई है, तो काफ़ी अच्छा है। पर वैसे तो मैं अभी चाय वगैरह मैंने कम कर रखी है अपनी, बट अगर जो चाय के शौकीन है तो यहाँ से चाय लीजिए, इंडियन चाय का लुत्फ़ उठाइए, काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर रोस्टेड मखाने लगे हुए हैं, और मैंने भी इसमें से एक पैकेट लिया, और यहाँ पे इमली लगी हुई है काफ़ी अच्छी, खट्टी मीठी कच्चा मैंगो। आप देख सकते हो हम बचपन में खाया करते थे यार कच्चा मैंगो बाइट, तो मतलब अभी भी यहाँ पे आती है तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। और ये सौंफ वगैरह आप देख सकते हो, जैम वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है, स्ट्रॉबेरी जैम वगैरह, सो काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी सेवियाँ वगैरह लगी हुई हैं, स्मॉल वेराइटीज़, हर प्रकार की वेराइटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी जिस वेराइटीज़ को आपको लेना चाहते हैं। यहाँ पे सारे पापड़ की वेराइटीज़ लगी हुई है, और यहाँ पे डेट्स हैं ऑल प्रकार की, ब्लैक हैं एंड देन वो सॉफ्ट वाली भी है, जैसे कि आपको पसंद होगी उसी के हिसाब से लगी हुई है, तो काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे अलग अलग वेराइटीज़ के, आपको देख सकते हो यहाँ पे इडली वगैरह और चटनी पाउडर वगैरह, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे आगे ले सकते हो। आपको दम बिरयानी के मतलब रेडी मिलेगा ऑर्डर सब कुछ उसके अंदर, और यहाँ पे सॉसेस वगैरह लगे हुए हैं, सोया सॉस वगैरह, अगर आप नूडल्स वगैरह बनाते हो तो उसके लिए काफ़ी कामगार हैं। सो अलग अलग वेराइटीज़, अलग अलग प्रकार के सोया सॉस वगैरह, विनेगर, रेड टमाटो केचप एंड अलग अलग प्रकार के यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे दालों के रेट। तो अभी मैंने जो किया है इतना सामान ले लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दालों के अलग अलग प्रकार की दालें हैं। 1 किलो मतलब यहाँ पे जो कि है 250 ग्राम से इसका पैकेट स्टार्ट है, और 500 ग्राम का पैकेट भी आपको मिल जाएगा, और 1 kg का पैकेट भी आपको मिल जाएगा, और 2 kg तक का भी मिल जाएगा। तो मतलब 2 kg का लेते हो तो आपको 8 से 9 यूरो के बीच में पड़ेगा, तो इंडिया के हिसाब से हो गया आपका 1000-2000 के बीच में, इन बिटवीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मिठाइयाँ लगी हुई है डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ की, और यहाँ पे कुछ सामान भी आ रहा है सजाने वाला दिवाली वगैरह का, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। मुझे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब अच्छा फील आ रहा है मतलब। और यहाँ पे देख सकते हो सोन पापड़ी लगी हुई है, जो कि हम इंडिया में काफ़ी खाते थे दिवालियों के टाइम पे सो दोस्तों यहाँ पे लगी है मैगी, जो कि सबकी चहती है। सो दोस्तों यहाँ पे लगी है भगवान की छोटी छोटी मूर्तियाँ, काफ़ी अच्छी हैं, आप देख सकते हैं, और जिनके प्राइस डिफरेंट डिफरेंट प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे लगी है दालें, जो कि आप देख सकते हो ये ओपन आप यहाँ से प्रेस करके ले सकते हो, और यह है कुछ मैगियाँ यहाँ पे, तो मैंने इसके यहाँ के 2 पैकेट मैगी के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैगी हम खा रहे हैं, तो मैंने कहा सोचा कि चलो ले ही लेती हूँ मैगी, तो फिर मैंने यहाँ से 2 पैकेट और ले लिए, और 3 पैकेट मैंने यहाँ से उठाए, जो कि आटा नूडल्स जिसको बोल सकते हैं, आटा मैगी बोलते हैं जिन्हें, तो मैंने यहाँ से 3 पैकेट इसके उठाए, और तो मैंने कहा चलो कभी कभी तो खाना का होता है, तो मैंने कहा ले ही लेते हैं। माता रानी का वार का सामान। सो दोस्तों यहाँ पे है सारा, चुन्नी वगैरह भी आते सकते हैं यहाँ पे है, और माता रानी का काफ़ी सारा सामान आ रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ सारा एक बार। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर का सारा सामान यहाँ पे आपको मिल जाएगी, छोटी छोटी प्लेटें, दिए वगैरह आपको मिल जाएगा, पूरा पूरा सेट मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे काफ़ी नया स्टॉक आया है मेरे हिसाब से, तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे सारी अगरबत्तियाँ लगी हैं। राइस कौन सा लेना है यहाँ से? 20 kg वाला है दोस्तों। सब्जी का सेक्शन, मिर्ची ले लेती मैं, हाँ धनिया भी सूखा ही हुआ है, धनिया भी ज्यादा वो नहीं है, मैंगो ज्यादा अच्छे नहीं होते इधर के, मैंगो ज्यादा अच्छे। ये लगे हैं दोस्तों यहाँ पनीर के ब्लॉक्स, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंडमेड बने हैं ये समोसे, जिनको मैं कितना मिस करती हूँ, और यहाँ पे लगे हुए काफ़ी अच्छे यम
और नमकीन के पैकेट लगे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटसाइड सारी ये पार्किंग है मिनी इंडिया की, कम से कम 4 से 5 है पार्किंग सेक्शन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे कॉफ़ी के लिए भी आप सेक्शन बना रखा, कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह ले सकते हो, तो काफ़ी अच्छे है। सो दोस्तों अब चलते हैं घर की साइड, हमारी शॉपिंग जो की है डन हो चुकी है, ऑलमोस्ट सामान हमने सारा ले लिया है इंडियन शॉप से, शॉप काफ़ी अच्छी है। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मिनी इंडिया से शॉपिंग करके, मिनी इंडिया जो भी शॉप है इंडियन शॉप है ग्रोसरी की, और आपको ये सैंडी फोर्ट में लोकेटेड है, तो आप लोग अगर नियर बाई रहते हैं तो आप लोग जाके इंजॉय कीजिए, वहाँ पे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा तो। और आपको वहाँ पे सारी ज़रूरत की सामान वगैरह सब आपको मिल जाएगा इंडियन शॉप में, मिनी इंडिया स्टोर है वो, और मतलब अभी 2 फ्लोर तक है, अभी 3rd फ्लोर पर भी काम चल रहा है, तो मतलब मुझे मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा विजिटिंग का। और अभी हम जा रहे हैं घर की साइड और लाइट से ही देखते हैं कैसा होता है, और आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगा अगर आप लोग आइलैंड में रहते हो तो आप लोग जरूर वहाँ पे एक बार विजिट कीजिए, और सामान भी काफ़ी अच्छा रीजनेबल सामान आपको मिल जाएगा वहाँ पे, नो डाउट। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा है मेरी वीडियो को तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए टाटा बाय बाय और सी यू देन, बाय।